जी प्रभु। ओके थैंक यू. वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडे सेशन ऑफ गीतामृता. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में. कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नाम उच्चारण के साथ मेरे साथ दोहराइए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. तो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन. हरे कृष्ण. रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 33. तो हम लोग कई दिनों बाद अपने इस लाइव क्लास को कर रहे हैं. तो क्या चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे कुंती महारानी के प्रेयर्स, महारानी कुंती के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति. और उसी क्रम में आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 33, इसमें वो ये पिछले श्लोक से कनेक्टेड है. पिछले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि श्लोक में यस चेचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोहो प्रियस्य प्रियस्यान्वाये मलयस्यैव चन्दनम्. कुछ लोग का मानना है, कुछ लोगों का मानना है, हे भगवान, हे कृष्ण, आपका अवतार क्यों होता है? आपका अवतार यदुवंश, जो कि पुण्य राजाओं के और पुण्य आत्माओं, जो राजा हुए, वंशज हुए हैं, उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, यदुवंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आप जन्म, जबकि आप अजन्मे हैं. और आपका अवतरण बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे मलयज पर्वत पे चंदन होता है, उससे पूरा का पूरा, जबकि चंदन और भी कई जगह निकलता है, उसकी उत्पत्ति हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
हरे राम। सो जिस प्रकार से चंदन मलय पर्वत पे होने के कारण उसी प्रकार तो यदुवंश में जन्म लेते हैं तो प्रसिद्ध बाबा अपरे मीन्स कुछ लोगों का, दूसरे लोगों का, अदर्स वसुदेवस्य देवकी देवक्या, कुछ लोगों का कहना है या चितो देव और माता अर्चना करने पर, प्रार्थना करने पर उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए, कुछ लोग का ऐसा बोलते। ओके अजस्य त्वमस्य क्षेमाय, जबकि आप तो अजन्मे हैं लेकिन आप अवतरित होते हैं उनकी प्रार्थना करने पे, क्यों? तो क्षेम आया उनके कल्याण के लिए, जग के कल्याण के लिए आप अवतरित होते हैं। और एक और चीज, वधाय च सुर सुरद्विषम, और आप क्यों आते हैं सुर? माता जी कैन यू मेक मी स्पॉटलाइट। और कुछ लोगों का बोलना है कि आप जो राक्षस गण है, असुर, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे कंस है, जरासंध है, और ये कौरव दुर्योधन एंड पार्टी, इन सबके नाश के लिए द्विषाम सुर द्विषाम, जो देवताओं के दुश्मन है, दैवीय प्रवृत्ति के लोगों के दुश्मन है, उनके नाश के लिए आपका अवतरण है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विल रीड, सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर एक भी मिनट, आप अभी मैं आपको दिखाऊं, सरयू नदी का दर्शन करिए आप लोग। मैं अभी इस फ्लाई ओवर पे हूँ, शायद आप लोग अब देख पा रहे होंगे। ये फ्लाई ओवर है और इस तरफ है अयोध्या, ये रिवर है, मैं उसके ऊपर हूँ। सो स्लोली मैं पहुंचूंगा अयोध्या के ऊपर। ओके, यस, गो अहेड, अन्य यस। लोग कहते हैं चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नी के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवद गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही होगी, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग सुन पाए अच्छे से। तो इस श्लोक में माता कुंती बतला रही हैं, ये भगवान के गुणों का ही बखान किया जा रहा है, उनके गुणों को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भगवान तो है क्या, भगवान तो अनबॉर्न है, भगवान का जन्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान को कौन जन्म दे सकता है, भगवान तो सबसे ऊपर है, भगवान इंजन की तरह है, भगवान को कोई नहीं खींच सकता है, और बाकी जितने लोग हैं वो सब बॉगी की तरह हैं, जिसको कि भगवान इंजन खींचता है, बॉगीज को, डब्बों को, रेल के डब्बों को, इंजन। तो जितने लोग भी संसार में हैं वो सारे लोग रेल के डब्बे की तरह हैं, ओके, और भगवान इंजन की तरह हैं, इंजन को कोई नहीं खींचता है, तो भगवान को कभी कोई
फादर मदर नहीं हो सकता है, लेकिन लेकिन लोक कल्याण के लिए, और वधाय च सुरद दुषाम, और जो लोग तामसी प्रवृत्ति के हैं, आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, उनके नाश के लिए, उनके वध के लिए भगवान अवतरित हो। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बतलाया कि किस प्रकार से वसुदेव और देवकी ने, वसुदेव और देवकी ने तीन जन्म लिए, तीन बार अवतरित हुए। या आपने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में आएगा, कृष्णा बुक में पढ़ा होगा आपने कि भगवान जो है भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान वसुदेव और देवकी जी तीन लाइफ, मतलब उन्होंने सबसे पहले प्रश्नी और सुतपा के रूप में क्या किया, प्रश्नी और सुतपा के रूप में उन्होंने तपस्या किया 10,000 साल। वो 10,000 साल हमारा नहीं, मतलब इस संसार का हजार नहीं, साल नहीं, बोलते हैं सेलेस्टियल, वो देवताओं का साल 10,000 साल। इतनी साल उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने तपस्या किया, प्रश्नी और सुतपा, ठीक है। और तब भगवान प्रकट हुए और उनको बोले, तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप हमारे, आप जैसा मेरा पुत्र हो। तो भगवान ने बोला मुझ जैसा दूसरा नहीं है, है ना, मैं खुद अवतरित होऊंगा और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं एक बार नहीं, मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो प्रश्नी और सुतपा के पुत्र के रूप में प्रश्नी गर्भा के नाम से भगवान प्रकट हुए। फिर अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में वामन देव के रूप में अवतरित हुए, और तीसरी बार में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। ओके, तो ये थर्ड टाइम था। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे सुतपा और प्रश्नी 10,000, मतलब अगर हम लोगों के सालों को अगर काउंट करेंगे तो करोड़ों वर्षों तक उन्होंने जो है उन्होंने तपस्या किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, किस लिए, भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। ओके, और भगवान का अपियरेंस, भगवान का आविर्भाव का पर्पस क्या है, उसका एकमात्र पर्पस है कि भगवान चाहते हैं कि जन कल्याण हो, जगत कल्याण हो भगवान, और वो कल्याण कब होगा, जब आसुरी प्रवृत्ति कम होगा। जैसे अभी देख रहे हैं टेररिस्ट अटैक हो रहा है, लोगों में लोग भक्ति भाव से दूर जाते हैं, उसको बोलते हैं भौतिकवादी, आसुरी, आसुरी प्रवृत्ति। तो भगवान वैसे लोगों का नाश करते हैं, नाश करते हैं मतलब भक्ति भाव, भक्ति प्रोसेस को बढ़ाने वाले जो लोग हैं उसको भगवान आगे बढ़ाते हैं और सबको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसा कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा जब जब हाँ तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। ओके, और किसके लिए होता हूँ, तो साधुओं के लिए, भक्तों के लिए मैं अवतरित होता हूँ। ओके, सो इस श्लोक में ओवरऑल यही है कि भगवान का प्राकट्य, भगवान का अवतार जो होता है वो हर समय भक्तों के लिए होता है, भक्तों की याचना, भक्तों की प्रेयर्स पे ही भगवान अवतरित होते हैं। असुर से भगवान का कोई सरोकार नहीं है, भगवान को असुरों से कोई लेना देना नहीं है, असुरों के लिए तो जो प्रकृति है, दुर्गा देवी है, वही सब कुछ मेंटेन करती है। केवल भक्तों का जहां तक प्रश्न उठता है, तो भक्तों के लिए भगवान स्वयं हर चीज मेंटेन करते हैं। ओके, ये था, विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक। माता जी, नेक्स्ट श्लोक का श्लोक संख्या 34। यस, भारावतारणान्याने भारा भारावतार ना याने भुवो नाव इवो दधौ सीद्यन्त्या
सीदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्थितः। भारावतार मतलब भार को कम करने के लिए क्या करते हैं भगवान, अवतीर्ण होते हैं भगवान, अपियर होते हैं। अवतारण्य मतलब कम करने के लिए भगवान क्या करते हैं, कुछ लोग, अब देखिए अन्य कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं, एक और भी रीजन है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान इस भूवी, भूवी मतलब भूमि अर्थ से, इस संसार के से पाप को कम करने के लिए भगवान अवतरित हुए। इवो दधौ भगवान अवतरित होते हैं। जातु ही आत्म भुवार्थितः, जातो ही, जात मीन्स जन्म लेना, आत्मभुवः, और कुछ लोग बोलते हैं आत्मभू स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, और अर्थितः प्रार्थितः प्रार्थना, अर्थितः मतलब प्रार्थना। कुछ लोगों का बोलना है कि आप आत्मभू की प्रार्थना पे प्रकट हुए, आप स्वयंभू ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण आपका अवतरण हुआ, कुछ लोगों का बोलना। ये दो रीजन है, इस भूमि के भार को, संसार से पाप के भार को कम करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना के कारण आपका अवतरण हुआ, कुछ लोगों का बोलना है। यस माता जी, हु विल रीड नेक्स्ट रीडिंग? वंदना तिवारी माता जी रीडिंग करेंगे, अनुवाद और तात्पर्य श्लोकपाल। यस वंदना माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा और आपके पुत्र ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तात्पर्य, सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं, नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं, गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जा रहा है। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसीलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं, ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी के संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, प्रभु थोड़ा सा ऊपर करिए, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उससे प्राप्त साधन से इतर कोई अन्य उपाय नहीं होता, लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी भी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे हुए नहीं हैं। वे पूर्ण हैं और अपनी विचित्र शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं।
अतः ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसलिए वे आत्मभू कहलाए। यही यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रमारी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौर रूप में प्रतिबिंबित हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत दीप नामक एक, इसके बाद प्रभु यस इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत दीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदकशायी विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे आदिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते, तो वे क्षीरोदकशायी विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की और उन्हें बताया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी की प्रार्थना के द्वारा करने से हुआ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पर आप ओवरऑल देखेंगे तो ब्रह्मा जी के जन्म के विषय में चर्चा की जा रही है। रूपा जी ने तात्पर्य में बताया कि ब्रह्मा जी, जैसा कि नाम है ब्रह्मा, मतलब कहने का कि इस ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति, लेकिन इस ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति तो उसका जन्म होगा, और किससे जन्म हो रहा है? तो गर्भोदकशायी विष्णु। नाम क्यों पड़ा ऐसा? गर्भोदकशायी विष्णु, क्योंकि वो जो विष्णु है वो गर्भ जल में, मतलब एक समुद्र है जिसका नाम है गर्भ समुद्र, गर्भा ओशन, उस जल में भगवान लेटते हैं वो विष्णु, और उनके साथ लक्ष्मी जी भी होती हैं जो हर समय भगवान के लोटस फीट, चरण कमल को मसाज करती रहती। और भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा में होते हैं। योग निद्रा में कहने का अर्थ है कि भगवान अपने आंखों को आधा बंद करते हैं, हाफ क्लोज आई, और भगवान निद्रा में, मतलब लगेगा कोई देखेगा तो लगेगा पता नहीं सो रहे हैं जग रहे हैं, योग निद्रा में, और भगवान सोच रहे होते हैं। क्या भगवान सोच रहे होते कि इतने सारे जीव जो हैं, जो कि महत्तत्व से, प्रधान से आए हैं मेरे शरीर में, और अब उनको यहाँ पे उत्पत्ति, अब उनको फिर से आगे एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु जिस लोक में आते हैं वहां पर सारे जीवों को बाहर करना है। शायद आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, मैं फिर सब समझाऊं। महाविष्णु जो भगवान के अवतार हैं, एक्सपेंशन है, उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले, और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में वही महाविष्णु फिर से एक दूसरे रूप में, जिनका नाम गर्भोदकशायी विष्णु है, गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और तब जाकर के वो ब्रह्मांड जो है उसमें वृद्धि होने लगती है, वो जीवित तो हो जाता है। तो हर एक ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो गर्भोदकशायी विष्णु, और उन्हीं गर्भोदकशायी विष्णु की, जिसे हमें अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनके शरीर में सारे जीवात्माएं जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ पे भोग वांछा के, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए आई है, वो उनके शरीर में रहती, और वो सब बाहर आना चाहती, तो सबसे पहले
भगवान विष्णु के लोटस निवल कमल नाभि से एक कमल खिलता है, ब्लू लोटस, एक ब्लू कलर का कमल का फूल खिलता है, और तब उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अब प्रभुपाद जी ने लिखा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, जनरली किसी का जन्म होता है तो माता और पिता चाहिए, जैसा हमने अभी देखा स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कृष्णी और सुतपा के गर्भ से मैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के जन्म के लिए केवल नारायण ने बस अपने नाभि कमल से ही उनको उनकी उत्पत्ति कर दी। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान विष्णु कृष्ण या भगवान के जितने भी अवतार और भगवान स्वयं, उनमें और एक सामान्य व्यक्ति में फर्क होता है। भगवान चाहे तो स्वयं भी, भगवान स्वयं भी एक नॉर्मल तरीके से जन्म लेंगे, और भगवान चाहेंगे तो पिलर से भी अवतरित हो जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो समुद्र में एक बड़े से कछुए के रूप में अवतरित हो जाएंगे, एक बड़े से मछली के रूप में अवतरित हो जाएंगे, मत्स्य अवतार, हंसा अवतार एक हंस के रूप में, एक कूर्मा अवतार जो कि हमने बोला कि कछुए के रूप में। इस प्रकार से भगवान जो है वो सर्वशक्तिशाली है, किसी भी रूप में अपनी इच्छा से वे किसी भी रूप में खुद अवतरित हो सकते हैं और उनसे कोई व्यक्ति अवतरित हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के जन्म के लिए लक्ष्मी जी की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी तो वहां पर सेवा कर रही है और ब्रह्मा जी का जन्म हो, इसीलिए ब्रह्मा जी का नाम क्या है, स्वयंभू आत्मभू, इसलिए उनका नाम ऐसा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ओवरऑल ब्रह्मा जी की व्याख्या की है कि ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है तो ब्रह्मा जी का जन्म होने के बाद उनको ड्यूटी दी जाती है। क्या ड्यूटी है उनकी? क्रिएशन करने की, उत्पत्ति करने की। किसकी उत्पत्ति? जीवों की तो उत्पत्ति होती नहीं है, आत्मा की तो उत्पत्ति होती नहीं है, तो उनका काम है इन सारी बद्ध आत्माओं को शरीर प्रदान करने का। तो 84 लाख प्रकार के जो शरीर होते हैं, भौतिक शरीर, ब्रह्मा जी उन सारे शरीर को बनाते हैं, जैसे फैक्ट्री में बनता है ना बहुत सारी चीजें, तो ब्रह्मा जी भी यहाँ पर क्या करते हैं, उसी प्रकार का फैक्ट्री जनरेट करते हैं, है ना। लेकिन वो फैक्ट्री लगता नहीं है फैक्ट्री की तरह, वो हमको पूरा का पूरा कंफ्यूज कर देता है, अरे ये तो फैक्ट्री नहीं है, ये तो बिल्कुल जीवित चीज है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के संपर्क में जाता है। सो ब्रह्मा जी सब कुछ सृजन कर लेते हैं, सारे जीवों से भर देते हैं, लेकिन जब ऐसा वो करने लगते हैं, होता रहता है, तो अचानक से कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारे असुर जो कि उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के ऊपर हमला बोल देते हैं, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ने लगते हैं, और दूसरे उनके पुत्रों को, भक्तों को, मनुष्यों को, देवताओं को वे लोग परेशान करने लगते हैं, कष्ट देने लगते हैं। तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सबसे पहले तो देवता जो इंद्र है और बाकी दूसरे देवता गण है जिनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव गॉड्स, डेमी गॉड, जो कि संचालन करते हैं एक ब्रह्मांड का, इंद्र और उनके साथ दूसरे देवता हैं, इंद्र, सूर्य, चंद्र, है ना, वायुदेव, इस प्रकार से बहुत सारे देवता हैं, 35 करोड़ देवता हैं, वो सब मिलकर के संचालन यहाँ संभालते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं। तो पहले तो कोशिश करते हैं ये सारे देवता मिलकर के मैनेज कर लिया जाए, जब इनसे मैनेज नहीं होता है तो ये जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी शिव जी के पास, और जब इन दोनों से भी नहीं होता है तो सारे लोग जितने देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सब मिल करके इसी ब्रह्मांड में एक जगह है जिसका नाम है श्वेत द्वीप। वो कहाँ है? ध्रुव तारा देखते हैं, ध्रुव लोक जो आपको दिखाई देता है उत्तर डायरेक्शन में, ध्रुव पोल स्टार, तो वहां पर पोल स्टार, वहां पर ध्रुव लोक एक द्वीप है, श्वेत द्वीप। ओके, वो भगवान विष्णु का जगह है, भगवान विष्णु ने उस जगह पे उसका एक पोर्शन जो है ध्रुव महाराज को दिया है शासन करने के लिए। तो ये सारे लोग
ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवता उस समुद्र, वहां पर एक समुद्र है जिसका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीर सागर का समुद्र, आपने सुना क्षीर सागर। तो भगवान उसी क्षीर सागर में, एक द्वीप है श्वेत द्वीप, वहां पर निवास करते हैं। तो सारे देवतागण वहां जाते हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर में लेटते हैं उनका नाम क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जो गर्भ जल में लेटते हैं उनका नाम गर्भोदक्षाय। शाई का अर्थ होता है लेटना, सोना। तो जो गर्भावसन में जल में लेटते हैं उसको गर्भोदक्षाय बोलते हैं, जो क्षीर सागर में लेटते हैं उनको क्षीरोदक्षाय बोलते हैं, और जो कारण जल में लेटते हैं महाविष्णु उनको कारणोदक्षाय विष्णु बोलते। तो ये सारे लोग, ब्रह्मा जी और ये सारे लोग वहां नहीं जा सकते, वे लोग कहाँ जा सकते हैं मैक्सिमम, वो जाते हैं क्षीर सागर के पास, श्वेत द्वीप के पास, और वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान कभी कभी दर्शन देते हैं, नहीं तो बहुत बार भगवान बस एक साउंड मैसेज भेज देते हैं ब्रह्मा जी के हाथ, साउंड मैसेज। ओके, तो इस बार भी जब अवतरित भगवान कृष्ण हुए तो उन्होंने साउंड मैसेज भेजा ब्रह्मा जी के हृदय में। क्या था वो मैसेज? ब्रह्मा जी चिंता मत करिए, मैं अवतरित होने वाला हूँ वसुदेव जी और देवकी के घर में, और मेरे आने से पहले बहुत सारे हमारे जो भक्त हैं, देवगण हैं, वो वहां पे अवतरित होंगे। मेरे अंश शेषा, जो शेष नाग हैं अनंत शेष, वे अवतरित होंगे मेरे बड़े भाई के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान जो है ब्रह्मा जी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो श्लोक में वही बताया गया कि भगवान का अवतरण जो है, कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी के प्रेयर्स के कारण हुआ, ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण उनका अवतरण। तो आज इतना ही हम लोग करेंगे। विल हैव नाउ चैंटिंग। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है, कुछ बोलना है? यस वीरेंद्र जी, यू वांट टू से समथिंग? जस्ट प्रेस द बटन। यस I was only looking forward to have your classes resumed. And in यस fact, यस यस बिल्कुल just this morning I thought I would send a message to you, but आपने खुद ही कर लिया, तो इट्स सो आई वाज प्लीजिंग. ट्रैवलिंग एक्चुअली, Yeah, आई I डिड know. नॉट ट्रैवल I बट heard your टुडे। kirtans and what you are engaged in at Ayodhya. यस It अयोध्या। is very impressive, no doubt. So today I thought anyhow I will take the class even in the car also, and now I जी reached Ayodhya. It's like that. Okay, जरूर so अब जपा करेंगे, अनु माता जी जप करेंगी। हरे कृष्णा, सभी जप माला ले लीजिए, मैं लॉग आउट करूंगा। ओके, सभी अपनी अपनी माला को ले लीजिए एवरीबॉडी। यस, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय ग्रंथ जय राज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय मथुरा वृंदावन धाम की जय। जय जय अयोध्या धाम की जय। अनंत जय जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेम नंदे हरी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सभी माला प्रभु, ले लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण